नमस्ते बच्चों, देखो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे अपन यहाँ पर इस केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन कर रहे थे इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या 70 तक मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, 30 क्वेश्चन और है, उनको आज अपन जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 18वां नंबर का जो क्वेश्चन था वो था, 18वां नंबर का जो क्वेश्चन था वो था कि किसी अभिक्रिया, किसी स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक ई सेल तथा डेल्टा जी क्रमश होंगे। तो देखो ये बोला जाता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप होती है, उनके लिए साम्य स्थिरांक का जो मान होता है, साम्य स्थिरांक का मान, के का मान जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और इसके लिए सेल स्थिरांक का मान पॉजिटिव होता है, और सेल स्थिरांक के अलावा जो इसमें डेल्टा जी दे रखा है उसका मान नेगेटिव होता है। तो देखो इसमें ऐसा ऑप्शन कहां है, आप लोग देख लो कि के का मान 1 से ज्यादा हो, तो इसमें देखो सेकंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा जाएगा सेकंड, 18वें का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, के का मान जो होता है 1 से ज्यादा और ई सेल का मान पॉजिटिव और डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये 19वां वाला। इसने दे रखा है कि जिंक प्लस टू से जिंक दे रखा है, और इसकी वैल्यू ये गलत दे रखी है भाई, वैल्यू ये होती है -0.76 वोल्ट। देखो जिंक से जिंक प्लस टू जा रहा है, प्लस टू से जिंक जा रहा है, इसका मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन लिया, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो ये क्या होता है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है। और इसके साथ साथ इसने दे रखा कॉपर का, कॉपर में भी हो रहा है, कॉपर प्लस टू से कॉपर जा रहा है ये, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34 वोल्ट, ये होता है कॉपर का होता है भाई 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ई सेल का जो अपना फॉर्मूला होता है ये होता है ई खेतोड़ माइनस एनोड, खेतोड़ माइनस एनोड। तो देखो ये बोला जाता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, उसमें बोला जाता है कि ऊपर वाला हमेशा देता है, और जो देता है ना वो क्या बनता है, एनोड बनता है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है। तो यहां पर देखो एनोड तो बनेगा जिंक, और कॉपर बनेगा अपना केतोड़, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.34। तो यहां पर आप लोग जब सोल्व करोगे इसको 0.34 वोल्ट -0.76 वोल्ट, तो ये जोड़ नहीं पाएगा इसका +1.10 वोल्ट, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन होगा स, इसका आंसर होगा स, आंसर हो जाएगा भाई, है ना। अगला, अब अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 20वां क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका पोटेंशियल का मान कितना होता है बेटा, तो इसका मान होता है 0.0 वोल्ट, ऑप्शन कौन सा बी, तो इसका आंसर होगा 0.0 वोल्ट होगा भाई। इसके बाद 21वां नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग, कि सेल स्थिरांक की इकाई, जो सेल स्थिरांक होता है सेल कांस्टेंट होता है भाई, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक होता है एल अपॉन ए, एल क्या होती है लंबाई, वो सेंटीमीटर में आती है, और ए क्या होता है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को अब अगर मल्टीप्लाई कर दो आप लोग सेंटीमीटर को ना सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेंटीमीटर ऊपर जाते क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा स, ठीक है। तो ये हो गए 18, 19, 20। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी देख लो आप लोग, अगला क्वेश्चन है भाई गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा कथन सत्य, सॉरी यही है गैल्वेनिक सेल के लिए, तो एक वर्ड याद रखना भाई गैल्वेनिक सेल के लिए, एलोन या लोन कुछ भी याद कर लेना, एक वर्ड होता है गैल्वेनिक सेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप लोग, एल ओ ए एन लोन, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव, ये बोला जाता है इस तरह से दो सेल बनाते हैं अपन, तो इसमें दो डिब्बे बनाते हैं, एक डिब्बा ये और एक डिब्बा ये, तो लेफ्ट में जो डिब्बा होता है उसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट में बायां होता है उस पर क्या होता है एनोड, जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है वो, ठीक है, और इस पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन एनोड ऋणावेशित होता है, सही बात है एनोड ऋणावेशित होता है, एन फॉर नेगेटिव है ना, एनोड ऋणावेशित होता है। सेकंड ऑप्शन खेतोड़ धनावेशित होता है, सही बात है जब एनोड ऋणावेशित होगा तो खेतोड़ धनावेशित होगा। फिर इसके बाद इसमें दे रखा है कि एनोड पर अपचयन होता है, जबकि एनोड पर देखो बेटा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत होगा, है ना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें आंसर आ जाएगा स, एनोड पर क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, और अगला इसमें दे रखा है खेतोड़ पर अपचयन होता है, बात तो सही है खेतोड़ पर रिडक्शन होता है, जबकि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीजन होता है, तो ये सा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो 21 के बाद 22, गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा खत्म, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव, देखो यहां पर एक इक्वेशन दी है इन्होंने एम एन प्लस एक वस्ताई है प्लस एन इलेक्ट्रॉन और एम एस, इसके लिए नष्ट समीकरण बोल रहा है ये भाई, तो नष्ट समीकरण जो होता है वो होती है अपनी इनोड सेल
माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यूसेंट बोलते हैं इसको ना, तो इसका जो मान देखेंगे ना अपन, आप लोग इसको देखो ही मत हो, आप तो अपनी इक्वेशन बना लो भाई, आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यूसेंट क्या होगा। देखो क्यूसेंट के अंदर अपन देखते हैं कि ये क्यू का जो मान होता है ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में भी वो देखते हैं जिस पर प्लस माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे तो यहां पर देखो प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्यू का मान हो जाएगा वन अपॉन एम एन प्लस, ये हो जाएगा। तो क्यू का मान रख दोगे आप लोग इसमें, तो ये आ जाएगा ई बराबर ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन प्लस एम एन प्लस। देखो अच्छे हैं, देखो इसमें माइनस में वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे अपन तो ये प्लस हो जाएगा एम प्लस एन, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसमें, तो ऐसा ऑप्शन है ई नोट प्लस आर टी अपॉन एन एफ। ये देखो इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो आंसर होगा इसका, द इसका आंसर होगा, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बेटा, लोहे पर जंग लगने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय। तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 का आंसर होगा टिन की प्रत चढ़ाकर, तो इसका आंसर हो जाएगा टिन की प्रत चढ़ाकर अपन लोहे पर जंग लगने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। बाकी और भी है बट ये सबसे अच्छा उपाय बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद 25 वाले क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे, ठीक है, 25 वाले क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे, तो आगे वाले क्वेश्चन देखो, 70 के बाद वाले क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाता चलूंगा, जल्दी जल्दी देख लो बेटा। देखो भाई 70 के बाद के जो क्वेश्चन है, 70 तक मैंने सोल्व करवा दिए थे ना, 70 हो गया, 71 वाला है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा खतनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो ये बोला जाता है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है उसका खतनांक ज्यादा होता है। और यहां पर अपन बोलेंगे देखो CH3 सब जगह है, तो फ्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड, तो CH3 आयोडाइड इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, डी बराबर मास अपन वॉल्यूम, तो मास भी ज्यादा होगा वॉल्यूम, तो ये साइज छोटी होती है तो यहां पर डेंसिटी जिसके ज्यादा होता है उसका खतनांक ज्यादा होता है। 71वें में कौन सा आंसर आ जाएगा, 71वें में आ जाएगा द। 72वां वाला क्वेश्चन है, SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद से क्या बनता है, दो स्टेप में होती है ना SN1 अभिक्रिया, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, क्या बनता है कार्बोकेटाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कार्बधनाइन, से आंसर हो जाएगा भाई इसका, है ना, आप लोगों को पता होगा ना कार्बो 2-क्लोरोब्यूटेन, देखो 2-क्लोरोब्यूटेन ये होता है भाई 2-क्लोरोब्यूटेन CH2CH3 क्या रिएक्शन है 2-क्लोरोब्यूटेन के एल्कोलिकियोज, एल्कोलिकियोज का मतलब क्या होता रे, दो प्रकार के होते हैं कि अगर यहां पर एक्वस की ओच लेते तो ओच लगा देते हैं और एल्कोली की ओच आता तो एलिमिनेशन हो जाता है ना, एल्कोली की ओच एलिमिनेशन कर देता है, और एलिमिनेशन करेंगे तो यहां से सीएल और यहां से एच, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन हो जाएगा भाई आंसर इसका, क्या हो जाएगा 2-ब्यूटीन है क्या ऑप्शन में, ऐसा कुछ ऑप्शन 2-ब्यूटीन है कहीं पे, हाँ है इसमें, बे वाला आंसर हो जाएगा 2-ब्यूटीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील है, SN1 अभिक्रिया कार्बोकेटाइन बनता है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां पर बन रहा हो वही ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें इसमें तो कौन सा हो गया 73 में तो हो गया ब, इसके बाद 74 है, इसमें देखो पहले में 3 डिग्री बनेगा, और ये वाला कौन सा दे रखा है भाई, इसमें भी बनेगा तो ये स्टेबल नहीं होगा, से वाला स्टेबल होगा, तो देखो यहां पर जो है ना बेंजोइन, ये अपना बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl, ये जब टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां से, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर, तो ठीक है इसका आंसर हो जाएगा स, ठीक है बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 74 का स आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स होगा, तो देखो 75 का जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये दे रखा है बेंजीन क्लोराइड प्लस Na, तो आप लोगों ने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी है, फिटिक अभिक्रिया पढ़ी है ना, कि दो जो मॉलिक्यूल्स है, एक तो होती है वुड्स जिसमें एल्किल हैलाइड भाग लेते हैं और एल्केन बनाते हैं, ये कौन सी रिएक्शन होगी जिसके अंदर दो बेंजिल क्लोराइड अभिक्रिया करेंगे सोडियम के साथ, और ये जो रिएक्शन देंगे इस रिएक्शन को बोलते हैं, यहां पर ये 2NaCl निकल जाता है इथर की उपस्थिति में होगी जहां तक ये, और ये बन जाएगा बाइफेनिल, कौन सा बाइफेनिल, इस तरह से बाइफेनिल बन जाता है, तो इसका आंसर देखो बेटा कौन सा है बाइफेनिल, बाइफेनिल स वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका 75 में, कौन सा होगा स, ओके बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, एल्किल फ्लोराइड स्वार्ट्ज अभिक्रिया, देखो फ्लोराइड की बात करें तो एल्किल फ्लोराइड में स्वार्ट्ज अभिक्रिया में बनता भाई, स्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड ब ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से SN2 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील है, तो देखो रिएक्टिविटी SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट के लिए अपन बोलते हैं जिसकी ट्रांजिशन स्टेट छोटी होती है, छोटी का मतलब जिसमें बल्कि ग्रुप नहीं होते, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की अगर बात की जाए तो सबसे पहले दे रखा 77 में
मेथिल क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ए आंसर हो जाएगा 77 का भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण, सीधा सा रे अभिक्रिया किसका उदाहरण है देख लो एक बार। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है इसमें, C2H5Br और KCN, देखो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव गया और नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्या होता है, दो प्रकार के अपने अभिकर्मक होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं पर दो प्रकार के बोले, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। C2H5Br है, तो देखो C2H5Br है और Br- में टूटता और KCN आ रहा है प्रोडक्ट में, देखो तो C2H5CN बन गया, तो Br भी न्यूक्लियोफाइल और CN भी न्यूक्लियोफाइल, तो एक तरह से क्या हुआ, प्रतिस्थापनी तो हुआ, इसका इसके पास, इसका इसके पास, यही तो हुआ रिएक्शन में, प्लस KBr, तो रिएक्शन कौन सी होगी, प्रतिस्थापन, पर प्रतिस्थापन में भी कौन सी होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 78 में बी आ जाएगा भाई, 78 में आ जाएगा बी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। ओके, अगली अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर क्या होगा, तो इसका बनेगा भाई फिनोल, 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 फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर, ये तुम्हारा फिनोल होता है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है भाई इसकी, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो Br 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 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा भाई इसमें। देखो 2,4,6 1,2,3,4 यहां पर Br आके लग जाता है तीनों पोजिशन के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल हो जाएगा भाई, है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा क्वेश्चन था ये, 79 में बी आ गया। अगला देखो 80 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि निम्नलिखित अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, तो देखो एक बार ROH RCl बना रहे, OH हटके Cl बना और Cl बनेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, किसका ऑर्डर पूछा है इसने, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, बिल्कुल वही होगा कि जिसमें जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां पर कौन सा बनेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ऑप्शन देखो भाई कौन सा है इसमें, 80 में है बी ऑप्शन, सॉरी B 3 2 1, अरे सी है ये, इसमें देखो गलत दे रखा है, एक बार देख लेना, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन जिसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना, हिंदी वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन है 81, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल किससे कम एसिडिक होगा, देखो फिनोल अगर बात करें अपन को, ये जो फिनोल होता है ना, फिनोल फिनोक्साइड आयन एल्कोहल से तो ज़्यादा वो होता है, ये अम्लीय होता है, तो फिनोल इज लेस एसिडिक, कहाँ इसमें ऑप्शन, नाइट्रोफिनोल तो ये है, NO2 तो इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है तो एच को भगाएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, एल्कोहल से तो ज्यादा होता है ये, किससे कम है ना, तो किससे कम होगा इसमें, और तो क्रिसोल आएगा भाई, देखो अपन को पता है कि यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया, और जब CH3 ग्रुप लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो CH3 ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लगाता है और प्लस आई की वजह से एच को जाने से रोक देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है, 81 में ऑर्थो क्रिसोल हो गया, सी ऑप्शन था इसका, 81 में सी है, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखो 82 कि वो है यहाँ पर डिहाइड्रेशन अभिक्रिया सही, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4, तो सीधी सीधी अभिक्रिया एल्कोहल का डिहाइड्रेशन है, निर्जलीकरण ऑफ एल्कोहल है ये, तो C2H5OH है ये वाला, एक तरह से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना CH2OHH, सबसे पहले इसमें क्या आता है, H+ आता है, प्रोटोनेशन करता है, H2O ले जाता है, फिर अगले स्टेप के अंदर यहां से वाटर निकल जाता है, और जैसे यहां निकलेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2CH2 एथिन, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एथिन एथिन एथिन, कौन सा है इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन था 82 में, क्या आ जाएगा, ए है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट नेम ऑफ एल्कोहल, 82 के बाद 84 आ गया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, इसमें जो 84 दे रखा है इसमें देखो एलिल एल्कोहल, तो ये एलिल एल्कोहल होता है तुम्हारा CH CH2OH, क्रियात्मक समूह नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3, तो यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया इसका 1 ऑल, इसका हो जाएगा प्रोप 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, 2 इन 1 ऑल, तो ऐसा ऑप्शन है क्या इसमें, प्रोप 2 इन 1 ऑल, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका एलिल एल्कोहल, प्रोप 2 इन, दूसरे नंबर पे इन है तो इसका आंसर हो जाएगा सही, प्रोप 2 इन 1 ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्कोहलों के एस्टरीकरण का सही क्रम, देखो एस्टरीकरण वाली अभिक्रिया पढ़ी होगी आप लोगों ने, एस्टर किस किस से बनता है, एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, ROH और COH की रिएक्शन जब करवाते हो आप लोग, तो ये क्या होता है,
यहां से एच ओ एच और यहां से एच जाके एस्टर बनता है ऐसे, ये लो जी एल्कोहल बन एस्टर बन गया है, और एस्टर के अंदर एच गया एल्कोक्साइड आर ओ माइनस। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे, एच कौन जल्दी दे देगा, तो एच 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, 3 डिग्री देगा, तो अपन को पता है कि एल्कोक्साइड बनेगा, और एल्कोक्साइड के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, प्लस आई ग्रुप लगे होंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो एल्कोहल के एस्टरीकरण का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ऑप्शन देखो भाई, दो तरह से बंद टूटते ना एल्कोहल में, 1 2 3, तो इसका सी वाला आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, 85 के बाद 86 है कि मेथिल आयोडाइड और सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से एनिसोल का निर्माण होता है सभी। अरे सीधी सीधी अभिक्रिया, एक बार अभिक्रिया को देखो, मेथिल आयोडाइड ये लो मेथिल आयोडाइड, और किसकी अभिक्रिया, सोडियम फिनेट का मतलब जानते हो, सोडियम फिनोक्साइड आयन को बोला जाता है सोडियम फिनेट, और यहां से NaI निकल जाएगा और एनिसोल बनवा रहा, तो ले भाई एनिसोल बन गया है। OCS3 कौन सी अभिक्रिया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण नहीं है क्या, कौन सी अभिक्रिया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है, कहां है ऑप्शन ब, कौन सा क्वेश्चन था ये, विलियमसन अभिक्रिया 86। ओके बेटा देखो, ये जो अभिक्रियाएं होती ना बहुत सीधी सीधी रिएक्शन है, पर मेरे को सीधी सीधी लग रही है, मैंने पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ा है मैंने, तो आप लोगों ने भी अगर पूरी किताब पढ़ी होगी तो आपको बहुत आसान लगेगी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है। कैनिजारो अभिक्रिया निम्न से कौन नहीं देगा, रहे भैया कैनिजारो एल्डोल और कौन सी होती है, एक और होती है बेंजोइन कंडेंसेशन वगैरह, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ा होगा। तो केनिजारो के लिए बोला जाता है कि वे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो केनिजारो नहीं देते, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एल्डोल देंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन कौन सा है भैया इसमें, 87 SCHO, ये तो केनिजारो देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो केनिजारो देते हैं, तो ये तो केनिजारो देगा। अगला कौन सा है, C6H5CHO, ये भी केनिजारो देगा, इसमें भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, CH3CHO, भैया तेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है तू नहीं देगा, तो इसका आंसर होगा एसिटाल्डिहाइड CCl3CHO, ये भी देगा क्योंकि इसके पास भी क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके तो 87 में कौन सा आंसर हो गया, सही आंसर हो गया भाई इसका। अब 88 देख लो, किलीमेंसन, किलीमेंसन जिंक HgCl है ना भैया, जिंक Hg अम्ल गम देगा किलीमेंसन, ठीक है, इसमें क्या होता है किलीमेंसन के अंदर कार्बोनिल का है ना रिडक्शन होकर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है वो, और एल्केन बनती है बेटा, क्या बनती है, एल्केन बनती है। ओके निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया आसानी से दे देगा, भैया देखो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बहुत बढ़िया अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, तो ये बोला जाता है अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो तो एल्डिहाइड से कीटोन की अपेक्षा नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं आसानी से दे देते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। कौन सा क्वेश्चन था, 89 क्यों देते हैं, तो देखो एक बार, जैसे मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, ये तो है तुम्हारा कीटोन वा, ये कीटोन वा है ना तुम्हारा, और ये अपना एल्डिहाइड वा है, ये आर और एच, यहां पर दो दो प्लस आई वाले इफेक्ट लग रहे हैं, दो दो प्लस आई लग रहे हैं, और इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो प्लस चार्ज, इस बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लस चार्ज, स्टेबल कौन ज्यादा कर रहा है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम 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 कम, तो यहां पर दो दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, और दो दो प्लस आई ग्रुप लगने की वजह से यहां क्या होगा रे, यहां पर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से हमेशा ज्यादा होती है, परंतु फिर भी देखो इसमें एल्डिहाइड तीन तीन दे रखे हैं, कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसमें भैया देखो ये लो एच कुछ भी नहीं लगाता, और एच कुछ भी नहीं लगाता तो रिएक्टिविटी ज्यादा होनी है इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा द, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा भाई, फॉर्मेल्डिहाइड वाला आंसर होगा इसका 89 में, और इसका आंसर है द। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखो, 91 IUPAC नाम ऑफ एसीटोन, अरे भैया प्रोपेनोन हो जाएगा तू तो, CH3CO CH3 फंक्शनल ग्रुप ये रहा, प्रोपेन है और कीटोन का वो जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओन 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 प्रोपेनोन प्रोपेनोन, देखो आंसर कौन सा है, प्रोपेनोन एसीटोन 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 प्रोपेनोन, तो है क्या भैया कहाँ गया है, अरे कौन सा बता दिया मैंने, 91 था भाई ये, इससे पहले अपनी अपलोड किया जाएंगे अभी, प्रोपेनॉन सही ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब 90 देखो भाई, विच रिडक्टेंट यूज रोजन मुंड उबलती हुई जाइलिन PDBSO4 का, ये देखो ये रहा उबलती हुई जाइलिन के साथ बोलते ना रोजन मुंड रिडक्शन PDBSO4, इसमें आंसर भाई, अरे क्या हो रहा है यार, इंग्लिश वाले में तो डी है इसका और हिंदी वाले में PBPD, अरे हिंदी वाले में देख लेना ये डी वाला ऑप्शन है, PDBSO4 होता है, ठीक है बेटा रोजन मुंड के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण पर बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बन परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। तो देखो 92 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ये है इसमें से जिसका ऑक्सीकरण करने पर कार्बन, देखो ये बोला जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर बात करें तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं ना उनका ऑक्सीकरण करने पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें कार्बनों की संख्या में कोई चेंज नहीं आता, कार्बन की संख्या सेम होती है, परंतु जो कीटोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन और एल्किल ग्रुप वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसमें उसकी संख्या कम हो जाती है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कम हो जाती है। तो सीधा सीधा ऑप्शन है इसमें, एक ही एल्डिहाइड दे रखा है और तीन तो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है एक तो, अरे यार ये सीधा सीधा क्या ऑप्शन उल्टे सीधे दे रखे हैं इसमें, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा एसीटोन, ठीक है क्योंकि ये कीटोन है, सेकंड वाला क्या है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं जब भी क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर क्या बोलते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 1 डिग्री और 1 डिग्री का एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड ही एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर जितने कार्बन होते हैं उतने का ही वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा 92 में, ए ऑप्शन हो जाएगा एसीटोन, कीटोन बोलते हैं ना इसको एसीटोन हुआ हो जाएगा। 93 को देखो बेटा, विच रिएजेंट इज यूज डिस्टिंग्विश फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, अरे भैया क्या है ये फिनोल और बेंजोइक एसिड, तो ये फिनोल वाला और ये बेंजोइक एसिड वाला तुम्हारा, तो इसमें बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना उसके द्वारा डिस्टिंग्विश करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है, ये बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता जबकि बेंजोइक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस निकाल देता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, अरे इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH CO3, बी ऑप्शन 93 में बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखो रे 94 देखो भैया, निम्नलिखित अभिक्रिया में अक्स होगा, ये कौन सी अभिक्रिया, अच्छा 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 ये तो वो रिएक्शन है, लो ये लो जी ये लो SCN की अभिक्रिया, साइनोहाइड्रिन बनाओ, ये बोला जाता ना नाभिक स्नायु योगात्मक अभिक्रिया है ये, टी 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 ओ नेगेटिव पे H और नेगेटिव पे ये, तो CH3OH CN, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन, नाभिक स्नायु योगात्मक अभिक्रिया थी ये हाइड्रेजन साइनोहाइड्रिन, तो 94 में बी आंसर हो जाएगा भाई साइनोहाइड्रिन, ओके बेटा साइनोहाइड्रिन। अगला 95 निम्नलिखित अभिक्रिया में 3 डिग्री एमीन है, तो 3 डिग्री एमीन कौन सी होती है जिसमें तीन तीन एल्किल ग्रुप लगे होते हैं ना, वही 3 डिग्री एमीन होती है, अमोनिया NH3 होता है, NH3 पे तीन हाइड्रोजन लगे होते हैं और तीनों हाइड्रोजनों के तीनों एल्किल ग्रुप से कन्वर्ट कर दो 3 डिग्री, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो 2 डिग्री और एक को कर दो 1 डिग्री और एक को ही मत करो अमोनिया बनेगा वो, तो इसमें देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सीधा सीधा आंसर है ए वाले में तो दो हाइड्रोजन लगे हैं 1 डिग्री है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें 95 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा CH3 का होल ट्राइज एन। ओके 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 अगली अभिक्रिया क्या है रही है, निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स तथा वाई होगा, दिमाग चाट रहा है क्वेश्चन, तो क्या है ये एमाइड ब्रोमिन NaOH, फिर ये क्या दे दिया बावड़े ने एमाइड ब्रो, देखो ये रिएक्शन एमाइड है ना, एमाइड क्या होता है अपना एमाइड RCONH2 होता है, फिर क्या दिया इसने ब्रोमिन और फिर क्या दे दिया NaOH, अरे ये तो अभिक्रिया पहचान में आ गई रे, हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया है, ब्रोमिन आएगा पहले Br2 जो होता है इसमें बन जाता RCONHBr बन जाता ना, ब्रोमेमाइड बनेगा और फिर ये अभिक्रिया करके, सीधी बात है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या बनता है एमिन बनता है, एमाइड से एमिन RNH2 हो गया, ठीक है ऑप्शन क्या है, अच्छा 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 इसमें क्या दे रखा है CHCl3KOH और है, ये अभिक्रिया कौन सी है, याद आ रही है कुछ कार्बिल एमिन अभिक्रिया, मतलब इसने दो दो रिएक्शन दिए ससुर के नाती ने, मतलब पहला वाला अभिक्रिया एमाइड से एमिन बनेगा तो ये अभिक्रिया तो हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया, तो इसका प्रोडक्ट बनता RNH2H, तो ये बन गया, फिर इसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे CHCl3KOH के साथ, तो ये जो अभिक्रिया होती है बेटा कार्बिल एमिन अभिक्रिया होती है और इसमें आइसोसाइनाइड बनता RNC बनता जी RNC, तो इसके दो प्रोडक्ट बने RNH2 और RNC, तो इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर हो गया बी वाला आंसर होगा बेटा इसका 96 में क्या होगा बी 97 बोल रहा है CH3N प्राथमिक
क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा किसका होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसका क्वथनांक का मान सबसे ज्यादा होगा। प्राथमिक द्वितीयक अच्छा सभी के समान क्यों होगा, ये बोला जाता है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है उसका क्वथनांक ज्यादा होता है, तो अपन को पता है कि 1 डिग्री के अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री में तो एक भी नहीं होता तो उसका क्वथनांक तो कम होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का प्राथमिक एमिन, क्या हो जाएगा प्राथमिक एमिन। 98 में देखो रे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें क्रेल कार्बन होगा वो तो प्रैक्टिकल देगा और जिसमें नहीं होगा नहीं देगा, तो देख लो क्रेल कार्बन कौन सा है। पहला ऑप्शन ही 1-butanol गलत आ जाएगा भैया, 1-butanol ये लो CH3CH2CH2OHHH, और जिस कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन एक जैसे ग्रुप होते हैं वो क्रेल होता है क्या, नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता, तो मतलब ये नहीं देगा प्रकाशिक समावयवता होता। 2-butanol तो 2-butanol में तो होगा, देखो इधर 2-butanol ये रहा OHH और ये CH3, तो ये 2-butanol है, ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग, तो ये क्रेल हुआ हुआ और होगा तो देखा 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 देखा। इसका 98 में आंसर तो 1 है, ए है वाला, और फिर दे रखा है इसमें लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल तो देता है इसको तो अच्छे से पढ़ते हैं, लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयवता देता है, 2-chlorobutane भी देगा, उसकी जगह सीएल लगाओ तो इसका आंसर हो जाएगा 1-butanol, जिसके अंदर क्रेल कार्बन नहीं है वो अपना आंसर हो जाएगा प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए 3 कंडीशन अपन पढ़ते हैं, क्रेल कार्बन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और यही तो देखते अपन। अगला मेजोट आर्टिक अम्ल द्रोण गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं करता, नहीं करता साहब, क्यों नहीं करता, तो मेजोट आर्टिक अम्ल जानते हो नहीं जानते बताओ। 99 वाला देखो, ये होता है मेजोट आर्टिक अम्ल COOH HHOH OH, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से नहीं रहता। क्या है इसमें, इसमें क्या पाया जाता है, आंतरिक प्रतिकार पाया जाता है। ये लो ऑप्शन देखो जी, उसमें दो क्रेल के अंदर उपस्थित होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, देते हैं तो बाह्य प्रतिकार नहीं होता, किसने बनाई है भैया ये, आंतरिक प्रतिकार होता है भैया इसमें, गलत बातें बोलते हैं यार ये। मेजोट आर्टिक अम्ल द्रोण गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो इसका सी ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन, इसमें सममिति का तल उपस्थित होता है, सममिति का तल उपस्थित होता है, रित्रो रूप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। घूर्णन घूर्णन का मान किन कारकों पर, अरे सब पे कर रहा है, तो प्रदीप्त प्रकाश की तरंग, देर विलयन का ताप, विलयन की सांद्रता, सब पे डिपेंड करता है, उपयोग सभी, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है बेटा। तो ये अपने 100 क्वेश्चन आज सोलो करवा दिया अपन ने, ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने 30-35 क्वेश्चन सोलो करवाया, वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, इस वजह से मैंने आज इस तरह से ऐसा वीडियो बना दिया, तो आप लोग एक बार जरूर देखें इस वीडियो को, ठीक है, और बाकी आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आए वो मुझे बताएं, और अपने की जो ऑनलाइन क्लास है वो रेगुलर चल रही है, कोई भी बच्चा 12th क्लास का जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, वीडियो को आगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, लाइक तो कर दिया करो, देखते हो तो क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना, थैंक यू।